Hey guys, this is Akki and welcome back to the channel. तो आज के वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट तुलसी. अगर आपको तुलसी के बारे में पता नहीं होगा तो आई लाइक टू इंट्रोड्यूस तुलसी इन ब्रीफ और अ शॉर्ट वर्ड. कि बेसिकली क्या होता है, जब भी वी हैव क्रिकेट थी, जैसे कि मेरे पहले थे, मेनी ऑफ द डॉक्टर्स हैव सजेस्टेड फॉर द ब्रेसेस, बट ब्रेसेस इज वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट. मेरे मम्मी ने ब्रेसेस लगाए हैं एंड दैट शी हैज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. जब भी ब्रेसेस टाइट करते हैं तभी शी गेट्स पेन फॉर एटलीस्ट वन वीक एंड देन देर आर मेनी फूड रिस्ट्रिक्शंस. और कभी भी आप ब्रेसेस में फूड खाते हो तो ऑल दोज फूड गेट्स स्टक इन द वी कैन से इन द ब्रेसेस. सो मैनी पीपल हैव डिफ़िकल्टीज इन ब्रेसेस एंड ऑल. तो तुलसी या दिस इज़ द बॉक्स. सो तुलसी इज समथिंग लाइक दैट विच हेल्प्स टू which helps to make teeth straight without any pain. Like it's a painless treatment for getting teeth straight. And मुझे तो braces लगवाने ही नहीं थे because जब भी मैं लोगों का सुनती हूँ कि हाँ braces से इतना pain हुआ ना, लेकिन नहीं, मुझे braces नहीं लगाना. So my mom took me for this तुलसी treatment and ये इतना easy था, it was too easy for me. तो basically मैन वी बुक एन अपॉइंटमेंट. हमारा 3D स्कैन होता है. द पीपल फ्रॉम तुलसी कम एट योर होम एंड दे डू ऑल द 3D स्कैन, जिससे हमारा टीथ का अलाइनमेंट पता चलता है. एंड अकॉर्डिंग ऑन दैट बेसिस और अकॉर्डिंग टू दैट दे मेक अ अलाइनर्स which I am wearing right now. And you can see here, but it's really very invisible. इतने दिनों से मैं वीडियो बनाते आ रही हूँ और आपको पता भी नहीं चला. दिस इज़ माई फाइनल रिजल्ट ऑफ द टीथ. जो मेरे पहले टीथ है वो यहाँ है, यू कैन सी द पिक्चर योर. सो इट टुक मी सिक्स टू सेवन मंथ्स और 6 to 7 months से मैं ये यूज़ कर रही हूँ. एंड मुझे तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. एकदम लिटिल पेन होता है जब भी आप लोग अलाइनर्स चेंज करते हो. अलाइनर्स इज़ वॉट आई एम वेयरिंग. यू हैव टू चेंज द अलाइनर्स 15 डेज के बाद. तो जब भी आप चेंज करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा तो पेन होगा, इतना टीथ तो पीछे आ रहा है, बट नॉट मच एज ब्रेसेस. ब्रेसेस में बहुत पेन होता है. पर मैं कभी कभी बीच में अटकती थी और माई टंग वॉजंट एबल टू रोल जस्ट बिकॉज मेरे अपर एंड लोअर, मेरे दोनों साइड पे अलाइनर्स है, जिसके वजह से कभी कभी मुझे इश्यूज़ होता है बात करने में. पर इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ये तो मेरा लुकआउट है. मैनी पीपल डोंट सफर फ्रॉम ऑल दिस, बट दिस इज़ माई लुकआउट. कि थोड़ा तो टंग स्लीप होता है बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल. एटलीस्ट तुमको ब्रेसेस जितना तो पेन नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ द बॉक्स फ्रॉम तुलसी. यहाँ पे मेरा नाम लिखा है. एंड मुझे 13 अलाइनर्स लगे थे. एंड जब भी तुलसी का बॉक्स आया था आई वॉज टू हैप्पी. और तभी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था ऑब्वियसली. तो आई एम गोना शो यू दैट वीडियो. तो उसके बाद आई टेल यू व्हाट ऑल द मटेरियल्स दे प्रोवाइड इन दिस बॉक्स एंड एवरीथिंग. सो या लेट्स जस्ट सी द अनबॉक्सिंग वीडियो. सो दिस इज़ द बॉक्स गिवन बाय द तुलसी एंड दिस पेपर कंटेन्स ऑल द लिस्ट ऑफ द आइटम्स विच आर इन द बॉक्स इंक्लूडिंग माई लिस्ट ऑफ अलाइनर्स. This is a small box which helps us to keep our aligner safe when we remove it. So this is chewy and smoothie. So I'm gonna tell the use in the further video so that you understand it more nicely. And this is a guinea which is a cheek rectifier. And in the lower case I have my documents, all the GXT tags, and my teeth are very close, so doctor told me to do an IPR of my teeth. So this is the list that what all my teeth needs to do and all. And in the lower box, it's the aligners which I need to wear. So this is the set of almost 13 aligners. सो दिस वॉज माई किट. और मैंने तो ये सब लॉकडाउन में किया था और बहुत अच्छा पॉइंट था बिकॉज ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं, नॉट एनी थिंग, बिकॉज वेन एवर यू ईट समथिंग यू हैव टू रिमूव द अलाइनर्स. एंड द लॉकडाउन वॉज द बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वेन आई बुक द अपॉइंटमेंट. और मुझे घर बैठे बैठे इतना अच्छा सर्विस मिला. द डॉक्टर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट द डॉक्टर्स बाय वीडियो कॉल. दे चेक योर अलाइनमेंट इज गोइंग राइट. आपको वीडियोज़ वगैरह सेंड करना रहता है उनको.
एंड इतना अच्छा ट्रीटमेंट था बिकॉज ब्रेसिस में क्या होता है, यू आपको ऑन द स्पॉट क्लिनिक में जाना पड़ता है, दे विल टाइटन योर टीथ एंड ऑल डू ऑल दिस थिंग्स. आपको तो सिर्फ ये जो किट है, ये किट में से आपको सिर्फ अलाइनर्स निकाल के लेना पड़ता है. तो आई दिस आई नीड टू डू. मुझे कोई टीथ वगैरह निकालने के लिए नहीं कहा था बिकॉज मेरा टीथ के ऊपर टीथ था, तो ऑब्वियसली स्पेस बनाने के लिए ब्रेसिस में तो मुझे टीथ निकालना ही पड़ता है. ब्रेसिस जब आप लगाते हो तभी बेसिकली मेरी मम्मी के तो बोल दिया है कि फोर टीथ निकालने के लिए, अपर दो और लोअर दो. तो विच इज़ अगेन अ पेनफुल वन. वी कैन से ग्रीनी होल्डिंग चीक टूल. तो आई लाइक टू शो यू, बहुत डेंजरस है ये जो रहता है ना. वी हैव टू पुट अंडर योर लिप्स, यहाँ पे आपके माउथ के अंडर डाल के ये अपना माउथ पूरा स्ट्रेच होता है. तो उसकी वजह से वी गेट यू नो वेरी इजी वे टू पुट एंड रिमूव अ अलाइनर्स. तो थोड़े थोड़े महीनों के बाद यू गेट एन हैबिट, तो आपको ये हर टाइम लगता नहीं है. तो मैंने सिर्फ बिगनिंग 2-3 मंथ्स के लिए ये लगा था. एंड या वी हैव टू पुट दिस चीक होल्डिंग थिंग जब भी आप वीडियोज़ वगैरह निकालते हो अपने टीथ के, टू सो दैट दे कैन ट्रैक आ प्रोसेस. तो जब भी हम लोग को निकालना होता है तभी हम लोग ये यूज़ करते हैं. एंड सी आई हैव मैनी अलाइनर्स, सी दिस ऑल, इसमें मुझे अलाइनर्स मिले थे. सी दिस वाज द अलाइनर्स आई बॉट. एंड उसमें देखो यहाँ पे ऐसा ट्रैकिंग नंबर रहता है 11, दिस इज लोअर अलाइनर्स 11 एंड 12, सॉरी दिस इज अपर, आई एम रियली सॉरी, दिस इज अपर एंड दिस इज या इतना था. और अगेन दे गिव यू अ टूथसी बॉक्स, वी कैन से कि जब भी आप अलाइनर्स निकालते हो. मैं हमेशा मेरे बैग में कैरी करती हूँ, या दिस इज द बॉक्स. कि कितना फोन बचाते हो. सो दिस इज़ द बॉक्स, लिटिल क्यूट बॉक्स, जहाँ पे जब भी आप अलाइनर्स निकालते हो मेक श्योर यू पुट इट इन दिस बॉक्स. जैसे कि कभी कभी क्या होता है, पीपल पुट इट योर एंड देर एंड इट गेट्स मिसप्लेस. यहाँ पे कैसा सेफ भी रहता है एंड नो टेंशन. सो अगेन दिस आई गॉट दिस माइक ट्रैकर फ्रॉम टुट्सी. सो व्हेनेवर आपको ये टुट्सी का किट रिसीव होता है, यू हैव टू कॉन्टैक्ट और नियरेस्ट टुट्सी क्लिनिक, जहाँ पे वो डॉक्टर आपको ऐसे ट्रैकिंग डिटेल्स देते हैं. दिस वॉज माई अलाइनर वन अकॉर्डिंग टू, मैंने ऐसा टिक करके रखा है. एंड यहाँ पे वी मतलब यू हैव टू मेक अ वीडियो. सो आफ्टर 45 डेज इट वॉज कंपल्सरी टू मेक अ वीडियो और अ फोटो, ताकि एक ट्रैकिंग डिटेल. आई टोल्ड यू अबाउट द चीक राइट, तो वो ऐसा लगाते हैं दिस. सो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं एंड दिस इज़ द वेरी बेस्ट ट्रीटमेंट आई कैन टेल यू अबाउट द टुट्सी, बिकॉज इतना आसानी से टीथ स्ट्रेट होता है. बिकॉज मेरे मम्मी का तो सिर्फ गैप था और उसका टीथ पीछे रहना था, एंड दे फॉर बेसिस डे टोलर लाइक 2 ईयर्स एंड समथिंग. मेरा तो टीथ के ऊपर टीथ था, तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ा साल तो लगते, मे बी 4-5 ईयर्स तो मुझे आराम से लगते. बट आई एम सो थैंकफुल फॉर टुट्सी कि मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे टीथ स्ट्रेट हो गए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बुक अ टुट्सी अपॉइंटमेंट, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैं अपना रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ. सो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑन टुट्सी प्रोडक्ट. एज वेल एज आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में प्राइस पूछ रहे हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टीथ कि आपके टीथ कितने क्रुकेड है और कितने अलाइनर्स आपको लगते हैं. मुझे तो 13 अलाइनर्स लगे थे, 13 अलाइनर्स एंड 1 रिटेनर विच मेक्स 14. तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मुझे सिर्फ ये वीडियो शेयर करना था, ताकि इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू अ पेनलेस टीथ स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, तो मेक श्योर यू गो टू टुट्सी. उनका सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड दे प्रोवाइड यू विद सच अ वंडरफुल बॉक्स विच आई लव. बस बहुत लंबा हुआ है वीडियो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द वीडियो. अगर आपको टुट्सी का अपॉइंटमेंट बुक भी करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनकी आपकी लिंक भी चेक कर सकते हो, एज वेल एज आई विल गिव यू माई रेफरल कोड ऑल्सो. सो या दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.